माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को भेंट करते हुए उत्तर प्रदेश सरदार पटेल विचार मंच के संयोजक कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री आशीष पटेल जी, श्री सनोज यादव जी और एसएस यादव जी, हिंदुस्तान की राजनीति के प्रतिमान नक्षत्र हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक ऐतिहासिक क्षण, माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री शिवपाल सिंह यादव जी। आदर्श तो लक्ष्मण से, लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई को आदर्श माना, उसी तरीके से सरदार पटेल ने अपने भाई विट्ठल भाई पटेल को आदर्श मान करके आगे बढ़े थे। मैंने भी उसी तरीके से, जो अभी उदाहरण आया था, नेताजी को आदर्श मान करके हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस अवसर पर केवल हम इतना ही कह के, एक बात कह करके आप सब लोगों से, न सर झुका के जियो, न सर झुका के जियो और न मुंह छिपा के जियो, अगर आए गमों का दौर तो मुस्कुरा के जियो। और फिर सरदार वल्लभ पटेल के भाव अधिक होकर के, ऐसे ही नहीं लोह पुरुष कहा गया था सरदार पटेल जी को, ऐसे ही नहीं कहा गया था, अगर गमों का दौर भी आए, परेशानियां भी आए, तो उनका मुकाबला करना चाहिए। जो बोलना था तो बोल दिया है, अब निर्णय उनकी तरफ से आना है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हम एक बड़े दल से जरूर समझौता करके चुनाव के मैदान में आएंगे, और हम इतना जानते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहां होगी सरकार वहीं होगी। जिस तरह लोहिया जी ने एक बार पता होना चाहिए, समाजवादियों की सरकार केरला में थी, मुख्यमंत्री वहाँ थे, वहाँ पर किसानों पर कहीं गोली चला दी थी, उसी दिन लोहिया जी ने इस्तीफा ले लिया था, उसी दिन मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया। जहाँ पर देखिए छात्र, जहाँ पर छात्र और किसानों पर अगर सरकार कहीं पर भी लाठी गोली और कुचल दे, उस सरकार को केंद्रीय मंत्री धमकी दे, तो फिर सरकार में रहने लायक है वो नहीं है। तुरंत इस्तीफा पहले तो मंत्री का ले लेना चाहिए था, और मंत्री का नहीं तो फिर सरकार का इस्तीफा पूरा हो जाना चाहिए। जिस तरह वैसे देखिए, हमारा संगठन तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में खड़ा है पूरे, लेकिन और हमारे तैयारी पूरी है, चुनाव की पूरी तैयारी है, लेकिन हम चाहते हैं कुछ दलों से और एक हैं छोटे छोटे दलों के साथ, हम चाहते हैं एक बड़े दल राष्ट्रीय दल से हमारा अलायंस हो जाए। तो ये रणनीति अभी नहीं बताई जाएगी, ये आपको जैसे ही हमारी रणनीति बन जाएगी वैसे ही आपको पता चल जाएगा। समाजवादी पार्टी से